हेलो एवरीवन वेलकम टू अर यूट्यूब चैनल ऑडियोबर्स जीनियस डॉक्टर ब्लैक बेली मिस चैप्टर 751 सौ इक्यावन टू सात अन्य अकादमियों के काफी संख्या में शिष्य पहले से ही यान देश की शाही राजधानी में मौजूद थे चूंकि स्पिरिट बैटल टूर्नामेंट था उनमें से कई सबसे शक्तिशाली देश की समृद्धि को अपनी आंखों से देखने के लिए शाही राजधानी के चारों ओर घूम रहे थे मुख्य मार्ग से गुजरते समय पांच घोड़ागाड़ियां गड़गड़ाने अन्य अकादमियों के कई शिष्यों ने जेफिर अकादमी के बैनरों को तुरंत पहचान लिया था और वे सभी तीन शीर्ष अकादमियों में से एक के काफिले को देखने के लिए अपनी गर्दन पूरी तरह से फैलाकर तुरंत रुक गए उस पल उनकी आंखों में ईर्ष्या की भावना नहीं बल्कि उपहास का भाव झलक रहा था जेफिर अकादमी ने इस वर्ष इतने कम लोगों को क्यों भेजा है एक युवक ने पूछा उसका चेहरा बहुत हैरान था क्योंकि वह उनसे दूर जा रही गाड़ियों को घूर रहा था वह एक ऐसी अकादमी से था जो औसत थी लेकिन फिर भी इस स्पिरिट बैटल टूर्नामेंट लिए अकादमी ने अभी भी दस गाड़ियां भेजी थी स्पिरिट बैटल टूर्नामेंट वाले दस प्रतिभागियों के अलावा कई शिक्षक भी थे और कुल मिलाकर तीस से अधिक लोगों का अनुमान आसानी से लगाया जा सकता था यह अजीब है जेफायर अकादमी इस वर्ष क्या कर रही है जैगन स्लेयर अकादमी और वॉब बैनर ने भी कम से कम बीस घोड़ा गाड़ियां तैनात की थी जेफिर अकादमी उन कुछ गाड़ियों में कितने लोगों को फिट कर सकती है युवक ने अपना सिर खुजलाते हुए पूछा उसका मन सवालों से भर गया स्पिरिट बैटल टूर्नामेंट तक चलने की उम्मीद थी और प्रतियोगिता में भाग लेने वाले शिष्यों के अलावा उनका मार्गदर्शन करने वाले शिक्षक और रसद की देखभाल करने वाले कर्मचारी भी उनके दल का एक अभिन्न अंग थे और ऐसा कुछ जिसके बिना वे नहीं कर सकते थे इसलिए भले ही भाग लेने वाले केवल दस लोग थे प्रत्येक अकादमी द्वारा यहाँ भेजे गए लोगों की संख्या कम से कम कुछ गुना थी अकादमी जितनी अधिक प्रतिष्ठित होगी उनकी तैयारी उतनी ही अधिक पूर्ण होगी जिसका अर्थ है कि उनके पास अधिक कर्मचारी होंगे वो गाना की तरह उनके काफिले में न केवल अकादमी के भीतर से लोग शामिल थे प्रतिभागियों ने उस महीने में उनकी सेवा के लिए अपने निजी परिचारकों को भी साथ लाया था ताकि तैयारी के दौरान उन्हें सर्वोत्तम देखभाल मिल सके आगे लड़ाई इसके अलावा यान देश द्वारा विभिन्न अकादमियों को दिए जाने वाले आतिथ्य का स्तर उनकी ताकत के अनुसार अलग अलग था जेफायर अकादमी जैसी अकादमी के लिए जो शीर्ष तीन अकादमी पदों में से एक पर काबिज़ थी यान देश सबसे अधिक स्वागत करेगा भले ही वे सत्तर या अस्सी कर्मियों को लाए हों लेकिन इस वर्ष जेफायर अकादमी में कुल मिलाकर केवल पांच घोड़ा गाड़ियां थी और एक गाड़ी में अधिकतम चार लोग बैठ सकते थे वह कुल मिलाकर केवल बीस लोग होंगे जो उनकी स्थिति और पद के लिए अपेक्षित संख्या से बहुत कम है उसके बगल वाले दूसरे युवक ने कहा तुम्हें नहीं पता कि जेफायर अकादमी में क्या हुआ था क्या हुआ युवक ने पूछा उसके चेहरे पर हैरानी के भाव थे उसके साथी ने तब गर्व से कहा ऐसा लगता है कि तुम सचमुच नहीं जानते यह इतना प्रचंड तूफान था जो पिछले साल के अंत में जेफायर अकादमी में आया था और आपने धरती को हिला देने वाली ऐसी घटना के बारे में एक भी चीज नहीं सुनी होगी युवक ने अपना सिर हिलाया और उसका चेहरा जिज्ञासा से भर गया और उसने अपने साथी से पूछा उन्हें क्या हुआ यह वास्तव में एक चौंकाने वाली घटना थी जिसने पिछले साल के अंत में जेफायर अकादमी को हिलाकर रख दिया था वाइस हेडमास्टर ने हेडमास्टर फैन क्यूई की हत्या कर दी और हेडमास्टर का पद अब फैन क्यूई के बेटे फैन जिन के पास है क्या फैन जिन मुझे याद है कि उन्होंने पिछले साल भी स्पिरिट बैटल टूर्नामेंट लिया था हालांकि वह टॉप टेन में जगह नहीं बना पाए लेकिन फिर भी उन्होंने काफी अच्छी रैंक हासिल की लेकिन उसकी उम्र ही क्या है उनके लिए जेफायर अकादमी का हेडमास्टर होना क्या वे इसे कुछ ज्यादा ही हल्के में नहीं ले रहे हैं युवक ने पूछा उसकी आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गई जो उसने अभी सुना उस पर विश्वास करने में असमर्थ था हालांकि फैन जिन काफी प्रतिभाशाली और उत्कृष्ट युवा थे फिर भी उनकी उम्र अधिकांश शिष्यों से बहुत अधिक भिन्न नहीं थी अन्य अकादमियों के सभी हेडमास्टर परिपक्व व्यक्ति थे जिनका बहुत सम्मान किया जाता था और उन्हें बहुत सम्मान दिया जाता था इसलिए उनकी किशोरावस्था में सिर्फ एक युवा का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है भले ही आप फैन जिनकी उम्र दोगुनी कर दें फिर भी वह उन्हें उपयुक्त उम्मीदवार नहीं बना पाएंगे हेडमास्टर वह नहीं तो और कौन है वाइस हेडमास्टर ने हेडमास्टर की हत्या कर दी और दोनों हेडमास्टर खो गए जैफिर अकादमी आज अतीत की उतनी शक्तिशाली जेफायर अकादमी नहीं रह गई है पिछले साल जैफिर अकादमी के शिष्यों और शिक्षकों के साल के अंत में छुट्टी पर चले जाने के बाद जब इस साल की शुरुआत में स्कूल वर्ष शुरू हुआ तो बहुत कम संख्या में लोग वापस लौटे जेफायर अकादमी के मुख्य प्रभाग में मूल रूप से एक हज़ार से अधिक शिष्य थे लेकिन इस बार जो संख्या वापस आई वह उससे बहुत कम थी यहाँ तक कि उनके अधिकांश शिक्षक भी चले गए थे और वर्तमान जेफायर अकादमी के पास उन्हें निर्देश देने के लिए अधिक शिक्षक नहीं है शिष्य अब इतने मूर्ख नहीं है कि वहां वापस जाए मैंने यह भी सुना है कि उनके कई लोग जिन्होंने पिछले साल स्पिरिट बैटल टूर्नामेंट अकादमी का प्रतिनिधित्व किया था अब वॉर बैनर वो बैनर स्लियर अकादमी में स्थानांतरित हो गए हैं क्या यह सच हो सका है क्या जेफेर अकादमी में अभी भी स्पिरिट हीलर संकाय नहीं है यह केवल उनके लिए अद्वितीय है उनमें से इतने सारे लोग क्यों छोड़ना चाहेंगे युवक ने पूछा उसका चेहरा सदमे में था एक ऐसी अकादमी से आने के बाद जो बहुत प्रसिद्ध नहीं थी उन्होंने कभी यह सोचने की हिम्मत नहीं की होगी कि जेफायर अकादमी जैसी प्रतिष्ठित अकादमी इतने कम समय में ढह जाएगी और अपनी गरिमा खो देगी दूसरा युवक मुस्कुराया और खर्राटे लेने लगा अगर स्पिरिट हीलर फैकल्टी ने उन्हें नहीं पकड़ा होता तो मैं अनुमान लगा रहा हूं कि एक भी शिष्य वापस नहीं लौटा होता मैंने सुना है कि इस घटना में न केवल जेफायर अकादमी के दो हेडमास्टर शामिल थे बल्कि उनके कई शिष्यों को भी अशांति में घसीटा गया था जिनमें से कई को अनावश्यक रूप से अपनी जान देकर इसकी कीमत चुकानी पड़ी थी ऐसी भयावह जगह पर फिर भी रहने की हिम्मत कौन करेगा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप वहां कितने शक्तिशाली हो सकते हैं आपका जीवन अंतः और भी अधिक महत्वपूर्ण है क्या यह सही नहीं है तो फिर क्या जेफायर अकादमी इस वर्ष गहरे संकट में नहीं होगी उनके सभी विशिष्ट शिष्य भाग गए हैं और फैन जिन पहले से ही हेडमास्टर हैं मुझे मत बताओ कि वह अभी भी एक शिष्य के रूप में स्पिरिट बैटल टूर्नामेंट के योग्य है एक अकादमी के हेडमास्टर के रूप में लेकिन एक प्रतियोगिता में अपने शिष्यों के साथ मिलकर कठिन परिश्रम करना पड़ा अगर इस बात की चर्चा चारों ओर फैल गई तो उन्हें सबसे बड़े मजाक के रूप में देखा जाएगा कौन जानता है जेफायर अकादमी के पास इस वर्ष दिखाने के लिए बहुत कुछ नहीं है और शायद अपनी दयनीय प्रतिष्ठा को बचाने के प्रयास में फैन जिन वास्तव में टूर्नामेंट में भाग ले सकते हैं लेकिन अगर मुझे कुछ कहना होता तो मैं उन्हें बताता कि चूंकि जेफायर अकादमी पहले ही इतनी दुखद स्थिति में पहुंच चुकी है इसलिए उन्हें इस साल के स्पिरिट बैटल टूर्नामेंट के लिए आने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ आकर वे केवल स्वयं को अपमानित करेंगे दोनों युवक शाही राजधानी में घूमते हुए बातचीत करते रहे और वे जिस भी कोने में गए वहां उनकी चर्चाओं से मिलती जुलती सामग्री वाली बातचीत और बहसें सुनी जा सकती थी एक समय प्रतिष्ठित और काफी हद तक ईर्ष्यालु रही जेफिर अकादमी एक महीने से कुछ अधिक समय में ही पूरी तरह से ढह गई थी उनकी एक समय मजबूत वित्तीय पूंजी अब काफी कमजोर हो गई थी मुख्य प्रभाग से उनके कुलीन वर्ग और शिक्षकों के बहिर्वाह के साथ जेफिर अकादमी केवल उन शिष्यों पर निर्भर रह सकती थी जिन्हें उन्होंने शाखा प्रभाग से पदोन्नत किया था ताकि वे एक निराशाजनक और दयनीय परिदृश्य को चित्रित कर सकें कई अकादमियां अब जेफिर अकादमी को अपना मजाक बनाते हुए देखने का इंतजार कर रही थी जबकि उसी समय वे अकादमियां जो जेफिर अकादमी की तुलना में केवल कुछ पायदान नीचे थी उत्साहित और उन्मादी होने लगी तुरंत इसका बनने की लालसा करने लगी प्रतिस्थापन जेफायर अकादमी की गाड़ियां अंततः एक सराय के सामने रुक गई यह यहाँ की शाही राजधानी के अधिक समृद्ध जिलों में से एक था और विभिन्न अकादमियों को उनके आराम करने और स्वस्थ होने के लिए एक बड़ा क्षेत्र आवंटित किया गया था पूरे जिले की सभी इमारतें अब विभिन्न अकादमियों के शिष्यों से भरी हुई थी और शहर के कई अन्य स्थानों की तुलना में यहाँ बहुत शांति थी कवच वाले गार्ड सराय के बाहर सावधान खड़े थे और जेफायर अकादमी की घोड़ा गाड़ियां अभी रुकी ही थी कि दो गार्ड उनकी ओर बढ़े उनके सामने की छत पर कई युवा जेफिर अकादमी की गाड़ियों को ध्यान से देख रहे थे उनकी आंखों में उपहास की भावना भरी हुई थी हालांकि जेफिर अकादमी की घटना को सख्ती से दबा दिया गया था लेकिन जो शिष्य उन्हें छोड़कर चले गए थे वे चुप नहीं बैठे रहे और अब जेफायर अकादमी में जो विकृत अराजकता फैल गई थी वह ऐसी खबर थी जिसे पूरे देश में हर कोई अच्छी तरह से जानता था युवा स्वयं यह देखने के लिए उत्सुक थे कि जेफायर अकादमी अपनी संख्या बढ़ाने के लिए किस प्रकार की बेकार चीजों का उपयोग करेगी हालांकि जब भीतर से पहला व्यक्ति गाड़ी से बाहर निकला तो वे युवा जो ध्यान से देख रहे थे एक अच्छी हंसी की तैयारी कर रहे थे अचानक उनकी आंखें चौड़ी हो गई और वे पूरी तरह से अवाक रह गए उनकी निगाहें उस आदमी के बेदाग और अविश्वसनीय रूप से सुंदर चेहरे पर टिकी थी जो गाड़ी से शान से बाहर निकला था उसका लंबा और पतला शरीर उसका सुंदर रूप और यहां तक कि उस अविश्वसनीय रूप से सुंदर चेहरे पर थोड़ी शैतानी मुस्कान ने हर एक व्यक्ति के दिल को धड़कने पर मजबूर कर दिया उसकी थोड़ी सिकुड़ी हुई आंखें नशीली शराब की तरह थी जो उन्हें मंत्रमुग्ध कर देती थी जब वह गाड़ी की ओर देखता रहता था उसके पीछे नाजुक नैनंश वाला एक युवक चला वह युवक केवल चौदह या पंद्रह के आसपास का लग रहा था और यद्यपि उसकी शक्ल साफ सुथरी और आकर्षक थी फिर भी वह किसी भी तरह से उसके सामने आए व्यक्ति से तुलनीय नहीं थी जो आदमी सबसे पहले बाहर आया वह मुस्कुराया और गाड़ी से उतरने में मदद करने के लिए युवक की ओर अपना हाथ बढ़ाया उसका हर हाथ उठाना और हर कदम जो वह उठाता था बहुत ही लुभावने रूप से शानदार लग रहा था एक पेंटिंग की तरह खूबसूरत एक के बाद एक कुछ और युवक गाड़ियों से बाहर आए जो थोड़े ही बड़े लग रहे थे लेकिन उनमें से हर एक बेहद सुंदर और आकर्षक लग रहा था हालांकि बाहर निकलने वाले पहले लड़के की तुलना में वे अभी भी फीके थे फिर भी उनके पास बेहद आकर्षक तस्वीरें थी और उनमें से एक खूबसूरत युवा लड़की भी थी जेफायर अकादमी ने पिछले साल स्पिरिट बैटल टूर्नामेंट परिणाम हासिल किया था और उसके कारण उन्होंने अन्य अकादमियों का काफी ध्यान आकर्षित किया था लेकिन सभी शिष्यों ने देखा कि जैफिर अकादमी के सभी प्रतिभागी अपरिचित चेहरे थे ये लोग जेफिर अकादमी से हैं जैसे ही जासूसी करने वाले युवाओं की नजर छोटे समूह में मौजूद सुंदर लड़की पर पड़ी तो वे गश खाकर गिर पड़े जेफायर अकादमी में पिछले साल भी उनके प्रतियोगियों में एक लड़की थी और उन्हें याद आया कि वह भी एक खूबसूरत लड़की थी लेकिन जब उनकी तुलना अब उनके पहले की प्यारी और सुंदर चीज से की जाती है तो उनकी यादों में मौजूद लड़की की सुंदरता अचानक फीकी पड़ जाती है उनकी गाड़ियों पर लगे बैनर देखें वे जेफ़ायर अकादमी के होने चाहिए जो शिष्य जेफिर अकादमी का उपहास होते देखने के लिए एकत्र हुए थे उनके पास अब शब्द नहीं थे किसी भी अन्य बात की परवाह किए बिना केवल उनके आकर्षक लुक ने बिना किसी संदेह के उनमें से सभी को पहले ही खत्म कर दिया था वे समझ सकते हैं कि लोग आकर्षक हैं लेकिन जब आकर्षण इतने आश्चर्यजनक और दिल को कुचलने वाले स्तर तक पहुंच जाता है तो यह किसी तरह उनकी समझ से परे था जेफायर अकादमी की पांच गाड़ियों से कुल दस लोग बाहर आए जब भीड़ की नजरों ने आखिरी दो गंभीर रूप से ठंडे और कठोर लोगों को देखा तो घोड़ा गाड़ियाँ गड़गड़ाने लगी और उन्होंने अन्य आकृतियों को प्रकट होते नहीं देखा जिससे एक बार फिर से देखने वाली आंखों में बहुत भ्रम पैदा हो गया जेफायर अकादमी के केवल दस लोग ही क्यों हैं युवा हैरान थे और उन्हें इसका पता नहीं चल सका स्पिरिट बैटल टूर्नामेंट वाली प्रत्येक अकादमी को दस स्लॉट दिए गए थे लेकिन उन्होंने यहाँ जेफिर अकादमी से केवल दस लोगों को देखा जिनमें से तीन पहले से ही अपनी किशोरावस्था से अधिक के लग रहे थे जो भाग लेने के लिए यहाँ नहीं आए थे स्पिरिट बैटल टूर्नामेंट और शेष सात लोगों में उन्होंने फैन जिनको उनमें से एक पाया जेफायर अकादमी को हिला देने वाली भारी अशांति की धूल जमने के बाद फ़ैन जिन अब जेफ़ायर अकादमी के शिष्य नहीं थे उन्होंने हेडमास्टर का पद संभाला था और उनके पास संदेह करने का कारण था कि वह अभी भी स्पिरिट बैटल टूर्नामेंट के योग्य थे यदि वे जो देख रहे थे वह सही था तो स्पिरिट बैटल टूर्नामेंट वाले जेफायर अकादमी के लोगों की संख्या केवल छह होगी और उनमें से एक दुबलिप्तली आकृति थी जो बहुत छोटी लग रही थी और वास्तव में पतली और कमजोर दिख रही थी क्या उस जैसा छोटा लड़का वास्तव में स्पिरिट बैटल टूर्नामेंट अकादमी का प्रतिनिधित्व कर सकता है उस क्षण देखने वाले सभी लोगों के मन में एक अघोषित सहमति उभरी जेफिर अकादमी उजाड़ हो गई थी उन्हें स्पिरिट बैटल टूर्नामेंट के लिए दस लोग भी नहीं मिले और वे इन छह लोगों को एक साथ लाने में ही कामयाब रहे हालांकि उन सभी के पास असाधारण शक्लसूरत थी लेकिन स्पिरिट बैटल टूर्नामेंट नहीं बल्कि ताकत की जरूरत थी वहां मौजूद लगभग सभी लोगों ने तुरंत यह मान लिया कि जेफायर अकादमी ने लड़ाई शुरू होने से पहले ही स्पिरिट बैटल टूर्नामेंट यह देखकर कि जेफिर अकादमी के लोग पहले ही सराय में जा चुके थे देखने वाले सभी युवा उनसे दूर होने लगे और जो कुछ उन्होंने देखा उसकी खबर सूखी घास में जंगल की आग की तरह तेज़ी से फैल गई विभिन्न अकादमियों के लिए यान देश की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी तरह से की गई थी और वहां पहले से ही लोग मौजूद थे जो जेफायर अकादमी के मेहमानों का स्वागत करने के लिए तैयार थे जेफायर अकादमी पिछले वर्ष लगभग तीस लोगों का दल लेकर आई थी और यान कंट्री ने उनके लिए एक जगह तैयार की थी जिसमें अधिकतम पचास लोग रह सकते थे इसलिए जब सराय के मालिक ने लगभग दस लोगों को आते हुए देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कान अचानक थोड़ी देर के लिए रुक गई लेकिन वह जल्दी से ठीक हो गया और मुस्कुराते हुए उनका स्वागत करने के लिए आगे बढ़ा आपका स्वागत है हमारे सम्मानित अतिथियों सभी कमरे तैयार हो चुके हैं और मैं अपने विशिष्ट अतिथियों को इस बीच कुछ देर आराम करने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूँ भोजन जल्द ही तैयार हो जाएगा और हमारे सम्मानित अतिथियों के आराम करने के बाद हम आपको दूसरे स्तर के हॉल में आपका भोजन परोसेंगे जैसे ही उसने मुस्कुराहट के साथ घोषणा की सराय का मालिक जल्दी से तैयार हो गया अदिति ने थोड़ा सिर हिलाया और वह बाकी सभी लोगों के साथ सामान खोलने के लिए अपने अपने कमरे में चली गई अपने कमरे में पहुंचकर अदिति ने अपने साथ रखा सामान मेज़ पर रख दिया और छोटी काली बिल्ली को अपनी बाहों में ले लिया एक महीने से थोड़ा अधिक समय हो गया था जब उन्होंने स्पिरिट बैटल टूर्नामेंट का फ़ैसला किया था जेफ़ायर अकादमी में स्थिति वैसी ही थी जैसी फ़ैन जिनने भविष्यवाणी की थी और वे बेहद ख़राब स्थिति में थे किसी भी शिष्य के पास थोड़ी सी भी प्रतिभा थी उसने उन्हें एक कमजोर पत्र पर लिखकर कोई आसान बहाना बनाकर उन्हें छोड़ने का विकल्प चुना था उन्होंने जल्दबाजी में उन पत्रों को जेफिर अकादमी तक पहुंचाने की व्यवस्था की थी और वहां से जेफायर अकादमी के साथ सभी संबंध तोड़ दिए थे वर्ष की शुरुआत में जो शिष्य लौटे थे वे मुख्यतः औसत क्षमता वाले थे और उनकी संख्या घटकर केवल तीन रह गई थी इसमें शाखा प्रभाग से पदोन्नत हुए लोगों की संख्या जोड़ने पर भी कुल शिष्यों की संख्या बमुश्किल चार का आंकड़ा तोड़ पाई थी जब उनके पास मौजूद मूल संख्या की तुलना की गई तो यह संख्या पूरी तरह से निराशाजनक थी लेकिन शिष्यों का प्रस्थान सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं था जो चीज़ वास्तव में उन्हें मार रही थी वह थी शिक्षकों का चले जाना जेफायर अकादमी में पहले सौ से अधिक शिक्षक थे और जो बचे थे उनकी संख्या अब दस से भी कम थी इसलिए यह जरूरी था कि जेफायर अकादमी को इस साल स्पिरिट बैटल टूर्नामेंट हासिल करना चाहिए जिससे उन्हें अपनी शानदार प्रतिष्ठा वापस मिल सके अदिति ने छोटी काली बिल्ली को अपनी बाहों में ले रखा था उसकी उंगलियां धीरे धीरे उसके बालों को सहला रही थी उसका दिमाग गुस्से से अगले कदम की योजना बना रहा था फैन जिन ने शुरू में स्पिरिट बैटल टूर्नामेंट दस स्थानों को भरने का इरादा किया था लेकिन उन्हें कोई भी शिष्य इतना योग्य नहीं मिला कि उन्हें मंच पर रखा जा सके और इसलिए उन्होंने अप्रयुक्त स्थानों को छोड़ने का फैसला किया इस सबसे महत्वपूर्ण समय में औसत दर्जे के शिष्यों के होने से जेफायर अकादमी का नाम शर्मसार हुआ है इसलिए अकादमी से बाहर जाने से पहले अदिति ने फैन जिन के सुझावों को अस्वीकार कर दिया था याओ और उसके गिरोह के साथ भाग लेंगी जिसमें फैन जिन शामिल नहीं होंगे उन्हें तैयार करने के लिए दिए गए एक महीने के समय में अदिति ने न केवल फैन जिन और लॉर्ड मेह को पूरी तरह से ठीक कर दिया था मेह जून वू याओ की मदद से उसकी आध्यात्मिक शक्तियां नई ऊंचाइयों पर पहुंच गई थी हरित भावना के शिखर पर वह ब्लू में सफल होने से कुछ ही दिन दूर थी और ये शाह और ये मे के पास ब्लू में उसकी सफलता के लिए रिंग स्पिरिट पहले से ही तैयार थी उसे केवल एक ही काम करना था और वह था तब तक इंतजार करना जब तक कि उसकी आध्यात्मिक शक्ति पर्याप्त स्तर तक एकत्रित न हो जाए और वह अपनी सफलता के साथ आगे बढ़ने में सक्षम न हो जाए मैं उसके शरीर और लॉर्ड मेह पर फिर से ऊन उगना शुरू हो गया था मैं अदिति के पैरों के ठीक बगल में जमीन पर लेटी हुई थी और उसका खून धीरे धीरे बह रहा था मेह पर ऊन है मेह का शरीर अभी भी पहले जैसा फूला हुआ नहीं हुआ था फिर भी यह उसकी कोमल गुलाबी त्वचा को ढकने के लिए पर्याप्त था एक नजर में भगवान मेंह मेह बिल्कुल पहले की तरह ही दिखेगी और करीब से देखने पर ही पता चलेगा कि वह थोड़ी पतली हो गई है अदिति के दरवाजे पर दस्तक हुई उसके दरवाजा खोलने के लिए उठने का इंतजार किए बिना दरवाजा पहले ही धक्का देकर खोला जा रहा था जून वो याओ दरवाजे की चौखट पर झुका हुआ था उसके मुंह पर एक शैतानी मुस्कान चल रही थी जैसे ही वह अदिति के पास वाली मेज पर बैठा उसकी आंखें सिकुड़ गई यह एक लंबी यात्रा रही है अब खाना खाने का समय हो गया है जून वो याओ ने मुस्कुराते हुए कहा अदिति ने सिर हिलाया और छोटी काली बिल्ली और भगवान मेह को छोड़ दिया मेह पीछे वह उठी और बाहर चली गई अदिति चलने के लिए खड़ी ही हुई थी और उसके पास आ रही थी जब जून वु ने बहुत सहजता और स्वाभाविक रूप से उसका छोटा हाथ अपने हाथ में पकड़ लिया और वे दूसरे स्तर पर हॉल की ओर बढ़े अदिति को जून वु की स्वाभाविक स्नेहपूर्ण हरकतों की आदत हो गई है शुरुआत में वह थोड़ी असहज हो गई थी लेकिन जब उसे अपने पिछले जीवन का एक दृश्य याद आया जहां उसने भाई बहनों के युवा जोड़े को देखा था तो बड़ा भाई भी अपनी युवा बहन का हाथ पकड़ रहा था लेकिन अदिति को अपनी याददाश्त में एक और बात नज़र नहीं आई थी जब बड़े भाई ने अपनी छोटी बहन का हाथ पकड़ा तब वे सड़क पार कर रहे थे और वह भाई बहन केवल आठ साल के थे कियाओचू और अन्य लोग पहले से ही दूसरे स्तर के हॉल में बैठे थे और जब उन्होंने अदिति और जून वु याओ को आते देखा तो कियाओं ने बिना सोचे समझे उन पर अपना हाथ लहराया और उनसे जल्दी आने का आग्रह किया शाह और ये मई कहा है किओंचू ने जोड़े के पीछे देखा लेकिन ये शाह और ये मई का कोई निशान नहीं देखा और उसने थोड़ा उत्सुकता महसूस करते हुए पूछा जूनव याओ ने उत्तर दिया वे कुछ मामलों पर बाहर है क्या चू ने सिर हिलाया और आगे जांच करने की हिम्मत नहीं की हालांकि वे अब जून वु याओ से ज्यादा नहीं डरते थे लेकिन वे अभी भी जून वु याओं की जबरदस्त शक्ति और उसके चारों ओर के रहस्य जिसमें उसके दो अधीनस्थ भी शामिल थे के सामने घबराए हुए थे जो हमेशा अप्रत्याशित रूप से प्रकट होते थे और गायब हो जाते थे सराय के वेटर ने जल्द ही उन्हें भोजन और पेय से भरी एक मेज परोस दी और उसके बाद जल्दी से पीछे हट गया और पूरी मंजिल उन आठों के लिए छोड़ दी चू ने अपनी चॉपस्टिक से भोजन के दो कौर अपने मुंह में लिए और उसके चेहरे पर तुरंत चिंता की लकीरें उभर आईं खाना केवल अच्छा दिखता है लेकिन यह ये मे के खाना पकाने जितना अच्छा नहीं है वापस छोटे बांस के बगीचे में हालांकि केवल अदिति और जून वो याओ ही वहां रुके थे वहां भोजन पकाने का काम ये शाह और ये मे द्वारा किया जाता था हालांकि कियाओचू और अन्य लोगों ने शुरू में बहुत बार घुसपैठ करने की हिम्मत नहीं की फिर भी वे कभी कभार आ जाते थे और वहां से एक या दो भोजन खा लेते थे और वहां सिर्फ एक बार खाना ही कियाओचू के लिए ये मे के कड़ाही के कौशल से प्यार करने के लिए काफी था वह बेशर्मी से हुआ याओ को हर दूसरे दिन अपने साथ बांस के बगीचे में ले जाने के लिए गिरगिड़ाने लगा और चौथे नक्शे को हासिल करने की उनकी योजना पर अदिति के साथ चर्चा करने के घटिया बहाने के साथ हुआ याओ को खींचने लगा लेकिन वास्तव में वह जो चाहता था वह सब करना था वहां के स्वर्गीय व्यंजनों का एक और स्वाद हुआ याओ ने भी स्वाद लिया और अपना सिर हल्का सा हिलाया जो कि याओं चूके मूल्यांकन की पुष्टि जैसा था देश की शाही राजधानी के चारों ओर जासूसी करने के लिए ये शाह के साथ निकलने ही वाला था संयोग से उसने कियाओ का स्पष्ट और स्पष्ट मूल्यांकन सुना और उसका चेहरा तुरंत शोक में डूब गया यद्यपि यह उसके खाना पकाने की निर्विवाद प्रशंसा थी यह सुनकर उसे जरा भी खुशी क्यों नहीं हो रही थी भगवान के लिए वह शेफ नहीं है स्वर्ग आपकी टिप्पणियों की यहाँ आवश्यकता नहीं है ये शाह ने सहानुभूति का बड़ा प्रदर्शन करते हुए चुपचाप ये मेई के कंधे को आराम से थपथपाया। सामान्य दुख में भाइयों के रूप में वह सभी लोगों में से पूरी तरह से सहानुभूति रख सकता था कि ये मई उस समय कैसा महसूस कर रहा था उन दोनों के हाथ तेज धार वाले ब्लेड थामने के लिए पैदा हुए थे ताकि वे तबाही मचा सके क्योंकि उन्होंने एक खूनी तूफान खड़ा कर दिया था जिससे उनके दुश्मनों के दिलों में अनथीन भय पैदा हो गया था लेकिन उनके अपने भगवान ने जिनकी वे सेवा करते थे उन्हें खाना पकाने सिलाई और गृह व्यवस्था के कई छोटे मोटे कामों में कुशल होने के लिए मजबूर कर दिया था जिससे वे लगभग पागलपन की कगार पर पहुंच गए थे एक मुर्गे को मारने के लिए जल्लाद के ब्लेड का उपयोग करना उन्होंने अपने भगवान के लिए कढ़ाई की सुइयां भी उठा ली थी और यह कुछ ऐसा था जिसके बारे में उन्होंने कभी कभी किसी से जिक्र नहीं किया था कभी? जब हम निचले क्षेत्र को छोड़ते हैं तो मैं कसम खाता हूँ कि हम फिर कभी रसोई में एक पैर भी नहीं रखेंगे ये मैंने कसकर भीचे हुए दांतों के माध्यम से कहा उसकी आंखें दृढ़ विश्वास से चमक रही थी अपमान शुद्ध और पूर्ण अपमान उनके लॉर्ड ज्यू और यंग मिस खाना बनाना पहले से ही थोड़ा कठिन था और अब जब उस पर अच्छा रसोईया का ठपा लगा दिया गया था तो वह वास्तव में खुद को कोई गर्व महसूस नहीं करा सका ये शाह ने समझते हुए सिर हिलाना जारी रखा और अब कोई सिलाई नहीं जब उसने सोचा कि पहली बार उसने कपड़े का एक टुकड़ा सिलने के लिए सिलाई सुई को छुआ था और यह एक गूंगी भेड़ को पहनाने के लिए था तो वह वास्तव में खुद को मारने के लिए अपना सिर दीवार से टकराना चाहता था अत्यधिक कुशल और निर्दयी हथियारों के रूप में उन्हें इस तरह के लड़कियों जैसे और आकर्षक काम करने के लिए मजबूर किया गया अगर इसकी खबर लीक हो गई तो वे दोनों वहीं आत्महत्या कर लेंगे ये शाने भारी आ भरी और भारी मन से ये मेरी के साथ सराय से बाहर निकल गई खाने पीने से पेट भर जाने के बाद किया अपनी कुर्सी पर संतुष्ट होकर वापस गिर गया और जोर से डकार ली अदिति की ओर अपना सिर घुमाने से पहले किनारे पर मौजूद फे यान ने उस पर एक निराशाजन नजर डाली और कहा जो जानकारी मैं पहले यान देश के बारे में जानने में कामयाब रहा था क्या आपने उन्हें अभी तक देखा है पिछले एक महीने से कुछ अधिक समय में अदिति और फैन जो जैफिर अकादमी में रहे थे और क्याओचू हुआ याओ और रोम के अलावा कहीं और नहीं गए थे रो यान बोगुई को अपनी आगामी यात्रा के बारे में जानकारी देने के लिए फीनिक्स अकादमी वापस गए थे केवल फेई यान ही सबसे व्यस्त थी साथियों के बाहर जाने से पहले उन्हें यान देश की सामान्य स्थिति के बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता थी इससे पहले कि वे अपने मिशन की अधिक विस्तार से योजना बना सके फी यान उस अवधि में निष्क्रिय नहीं था और केवल उस दिन लौटा था जब अदिति और अन्य लोग बाहर जाने वाले थे पूरी उबड़खाबड़ यात्रा के दौरान उसने जो जानकारी जुटाई थी उसे दूसरों को बता दिया था और वे सभी उस समय यान देश की स्थिति की सामान्य समझ हासिल करने में कामयाब रहे थे यान देश के चार बेटे थे उनमें सबसे बड़ा यान देश का युवराज था जो इस मिशन पर अदिति और उसके साथियों का निशाना था अदिति ने सिर हिलाया अदिति क्या करने का इरादा रखती है क्या हम क्राउन प्रिंस के करीब पहुंचने से पहले अपनी रैंक हासिल करने तक इंतजार करते हैं या क्या हम अभी शुरुआत करते हैं मैंने सुना है कि खेल शुरू होने से पहले क्राउन प्रिंस कभी कभी स्पिरिट बैटल टूर्नामेंट वाले विभिन्न अकादमियों के कुछ शिष्यों के संपर्क में आते थे फी यान ने अदिति की ओर देखते हुए पूछा वह अवचेतन रूप से पहले से ही अपने अगले कदम पर अदिति की राय पर निर्भर थी अदिति से मिलने के क्षण से लेकर उस क्षण तक स्थिति और निर्णय लेने का उसका आकलन हमेशा सटीक रहा था और उसने अभी तक उसके निर्णय में कोई चूक नहीं देखी थी अभी कोई जल्दी नहीं है और हम बस देखेंगे हालांकि फी ने उन्हें जो जानकारी प्रदान की थी वह उपयोगी थी सटीक निर्णय लेने में सक्षम होने से पहले उसे अपनी आंखों से इसकी पुष्टि करने की आवश्यकता थी अदिति दो बार उन लोगों के साथ शामिल हुई थी जो बारह महलों के लोगों के साथ मिलकर काम कर रहे थे कम से कम कहने के लिए वे संत नहीं थे एक को जहर पर अपने शोध के लिए सुंदर दिखने वाले युवाओं को लैब चूहों के रूप में इस्तेमाल करना पसंद था जबकि दूसरे ने अकादमी के पूरे छात्र समूह की हत्या की साजिश रची थी यान देश के क्राउन प्रिंस को प्राप्त जानकारी के अनुसार उन्हें एक विनम्र और विनम्र क्राउन प्रिंस माना जाता था दस साल की उम्र से ही उन्हें क्राउन प्रिंस का नाम दिया गया था और उन्होंने बिना किसी अतिरिक्त के खुद को भरोसेमंद साबित कर दिया था उनके बाद सम्राट के तीन और बेटे थे और युवराज भी उनके प्रति बहुत देखभाल करने वाले और प्यार करने वाले थे ऊपर से देखने पर ऐसा लगता था कि वह उतना बुरा आदमी नहीं है लेकिन बारह महलों के लोगों के साथ शामिल होने के कारण अदिति ने क्राउन प्रिंस के बारे में अपने आकलन के बारे में इतना निश्चित होने की हिम्मत नहीं की बिल्कुल मोशान की तरह शुरुआत में फी अपने शरीर के पिछले मालिक की यादों से अदिति को पता था कि शरीर में पुनर्जन्म लेने से पहले मोजुआन सतह पर फी की प्रतिष्ठा यान देश के क्राउन प्रिंस के बारे में उसने जो कुछ भी इकट्ठा किया था उससे ज्यादा खराब नहीं थी वे दोनों सभ्य और परिष्कृत सज्जनों के रूप में प्रतिष्ठित थे दोनों ही विनम्र और सम्मानजनक थे लेकिन मोजुआन के मामले में फी वह वास्तव में एक अच्छे कपड़े पहनने वाला प्रतिष्ठित पाखंडी था यह काम करेगा मैं अनुमान लगा रहा हूँ कि उसे हमसे मिलने के लिए यहाँ आने में वैसे भी देर नहीं लगेगी क्या फिर यान ने यह नहीं कहा कि क्राउन प्रिंस को हम जैसे किसानों के साथ घुलने मिलने का शौक है चू ने हंसते हुए कहा हर साल स्पिरिट बैटल टूर्नामेंट पहले यान देश के क्राउन प्रिंस हमेशा क्राउन प्रिंस के बीच घूमते रहते थे और उन्होंने उनके बीच कोई भेदभाव नहीं किया और उन्होंने बड़ी और छोटी दोनों अकादमियों का दौरा किया हालांकि शीर्ष तीन अकादमियों को शामिल किया जाएगा फिर भी उन्होंने उन छोटी अकादमियों को नजरअंदाज नहीं किया जिनके बारे में लोगों ने कभी नहीं सुना था इसने बहुत से लोगों को हैरान कर दिया शीर्ष तीन अकादमियों के साथ संपर्क स्थापित करने का उद्देश्य स्पष्ट रूप से मजबूत प्रतिभाओं को अधिक आसानी से भर्ती करने में सक्षम बनाना था लेकिन एक क्राउन प्रिंस के लिए आम अकादमियों का दौरा करने के लिए समय निकालना कुछ ऐसी बात थी जिसे लोग समझ नहीं पाए अदिति ने अपना पानी पिया और क्याओ के बयान पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी फैन जिन बस किनारे से चुपचाप सुन रहा था और बाकी लोग क्या चर्चा कर रहे थे उसे वास्तव में यह समझ में नहीं आया जैसा कि उनके मन में था वे यान देश में आने का एकमात्र कारण केवल स्पिरिट बैटल टूर्नामेंट था लेकिन फ़ैन जिन ने उनसे इसके बारे में कुछ नहीं पूछा न ही वह इसमें गहराई से देखना चाहते थे वह जानता था कि चाहे अदिति हो या उसके आसपास उसके साथी वे सभी असाधारण पृष्ठभूमि के लोग थे और यदि उन्होंने उसे यह नहीं बताया कि वे क्या करने जा रहे हैं तो उसने मान लिया कि ऐसा करने के लिए उनके पास अपने स्वयं के कारण होंगे झू की ओर देखने लगी उसके चेहरे पर सच्ची मुस्कान देखकर जो उसके दिल की गहराई से चमक रही थी वह जो कुछ भी देख रहा था उससे खुश और प्रसन्न महसूस कर रहा था आप लोग बातचीत जारी रखें मुझे बड़े सलाहकार से मिलने जाना है फैन जिन ने खड़े होकर घोषणा की उसे डर था कि अगर वह वहां रहेगा तो अदिति और बाकी लोगों को अपनी बात कहने में असुविधा हो सकती है और उसे वहां से जाने का बहाना मिल गया भव्य सलाहकार बड़े भाई आप उसे क्या ढूंढ रहे हैं फैन झो ने पूछा यान देश के महान सलाहकार का पद अत्यंत महत्वपूर्ण था और लोगों द्वारा उनका बहुत सम्मान किया जाता था उनकी प्रतिष्ठा और स्थिति स्वयं सम्राट के बाद दूसरे स्थान पर थी लेकिन फिर भी सिंहासन के उत्तराधिकारी क्राउन प्रिंस से भी अधिक ऊंची थी लेकिन महान सलाहकार ने शायद ही कभी यान देश के संचालन से संबंधित मामलों में हस्तक्षेप किया और वह केवल जरूरत पड़ने पर ही उपस्थित हुए यदि यान देश का सम्राट उसके शासक के रूप में आधिकारिक व्यक्ति होता तो ग्रैंड सलाहकार यान देश का आध्यात्मिक नेता होता जिसे उसके लोग बहुत प्यार करते थे और उसका सम्मान करते थे फैन जिन ने हंसते हुए आसानी से उत्तर दिया सीनियर वेन जाने से पहले शिनहान ने मुझे एक पत्र सौंपा था जिसे मैं ग्रैंड सलाहकार को सौंप दूँ फैन झुओ ने सिर हिलाया और आगे की जांच नहीं की वे सभी जैफिर अकादमी से निकले थे और अकादमी अब वेन द्वारा चलाई जा रही थी शिनहान और गुली गुलीशेंग चूंकि जैफिर अकादमी अभी, अभी अभी इतनी उथल पुथल से गुजरी थी फैन जिनने ईमानदारी से वेन को आमंत्रित किया था शिनहान अस्थायी रूप से जेफिर अकादमी और वेन में रहेंगे शिनहान ने मना नहीं किया था फैन जिन को जाते हुए देखने के बाद फी यान ने उसकी ठुड्डी पर हाथ फेरा अगर मेरी याददाश्त सही ढंग से मेरी सेवा करती है तो यान देश के ग्रैंड सलाहकार का उपनाम वेन प्रतीत होता है उसकी आंखें अदिति की ओर अर्थपूर्ण दृष्टि से देखने लगी हालांकि उपनाम वेन को बहुत दुर्लभ नहीं माना जाता था लेकिन तथ्य यह है कि वेन शिनहान ने फैन जिनको यान देश के ग्रैंड सलाहकार को एक पत्र देने के लिए कहा था और कहा था कि उन दोनों का वेन का उपनाम एक ही है इससे लोग अपरिहार्य रूप से उन्हें एक साथ जोड़ देंगे यान देश के महान सलाहकार वेन यू के नाम से जाने जाते हैं अदिति ने पूछा फी यान ने सिर हिलाया आखिरकार यह सीनियर वेन निजी मामला है और इसकी जांच करना हमारे लिए अच्छा नहीं होगा लेकिन यह कम से कम हमें कुछ पुष्टि प्रदान करता है कि वेन यू हमारा दुश्मन नहीं है फैन झो ने मुस्कुराते हुए कहा हालांकि उन्हें नहीं पता था कि वेन में क्या लिखा है शिनहान का पत्र लेकिन अगर उन्होंने फैन जिनको व्यक्तिगत रूप से पत्र देने का काम सौंपा था तो उन्होंने वेन पर दृढ़ता से विश्वास किया शिनहान की हरकतें किसी व्यक्तिगत मकसद से प्रेरित थी जैसे उनसे उन पर थोड़ी नजर रखने का अनुरोध करना या कुछ इसी तरह से खांसी मैंने यह भी सुना है कि यान देश की ग्रैंड सलाहकार आकर्षक रूप से सुंदर दिखती है कियाओं चू ने अचानक कहा उसके चेहरे पर हल्की गुलाबी रंगत दिखाई देने लगी फे यान ने असहाय चुप्पी में कियाओं चू पर तिरस्कार भरी नजर डाली जब भी यह मूर्ख सुंदर लोगों पर अपनी नजरें गड़ाता है चाहे वह पुरुष हो या महिला वह हमेशा इस बीमार पिल्ला का चेहरा रखता है ऐसा कहा जाता है कि वह बहुत सुंदर दिखता है और उसके पास यान देश में सबसे सुंदर चेहरा है लेकिन इस अनौपचारिक शीर्षक को बाहर न दोहराएं ग्रैंड एडवाइजर को यह पसंद नहीं है कि लोग उसके लुक पर टिप्पणी करें फे यान ने याद दिलाया मैं ऐसा नहीं करने जा रहा हूं आपको ऐसा आदमी कहां मिलेगा जिसे लोग यह कहना पसंद करते हो कि वह सुंदर है क्याओं चू बड़बड़ाया अदिति चुपचाप उनकी बात सुनती रही इसके बारे में सोचे बिना वेनयू की श्रद्धेय सुंदरता के बारे में सुनने के बाद वह अवचेतन रूप से अपने बगल में जून वु याओं की ओर देखने लगी उसकी थोड़ी ठंडी नजर जून व याओं की दोष रहित और उत्तम विशेषताओं पर पड़ी ध्यान से उसके चेहरे की जांच की ऐसा हो सकता है कि अदिति की नजर बहुत स्पष्ट थी जहां दूसरी तरफ ने भी इसे नोटिस किया था छोटी अदिति इतना घूरने की कोई जरूरत नहीं है मैं इसकी गारंटी देता हूं वह वेन यू दोस्त हमारे बिग ब्रदर जितना अच्छा दिखने वाला कभी नहीं हो सकता उसने अपने जीवन में जून वु से अधिक आकर्षक दिखने वाला कोई नहीं देखा था अगर कोई उसे बताए कि एक ऐसा व्यक्ति अस्तित्व में है जो जून वु से बेहतर दिखता है तो वह वास्तव में कल्पना नहीं कर पाएगा कि वह व्यक्ति संभवतः किस प्रकार का राक्षस हो सकता है अदिति चौंक गई और उसने जल्दी से अपनी आंखें हटा ली और चाय पीने के लिए अपना सिर नीचे कर लिया लेकिन छिपने की उसकी स्पष्ट कोशिश ने जून व की आंखों के सामने इसे और अधिक स्पष्ट कर दिया और इससे उसे हल्की हंसी आई दोपहर के भोजन के बाद साथ ही अलग हो गए यान देश की शाही राजधानी में आने के बाद फी यान ने जानकारी के अधिक स्रोत एकत्र किए और स्पिरिट बैटल टूर्नामेंट पहले इस अवधि में उन्होंने और अधिक खुफ़िया जानकारी इकट्ठा करना जारी रखा यान देश के क्राउन प्रिंस के बारे में जानकारी के अलावा उन्होंने इस साल के स्पिरिट बैटल टूर्नामेंट वाली अकादमियों पर थोड़ा शोध किया भोजन करने में लगे थोड़े से समय में यह खबर कि जेफायर अकादमी ने केवल दस लोगों को भेजा था तेजी से विभिन्न अकादमियों की टीमों में फैल गई उनमें से बहुत से लोग पहले से ही सोच रहे थे कि इस साल जेफिर अकादमी की गरिमा समाप्त हो गई है और जब उन्होंने यह खबर सुनी तो वे और भी आश्वस्त हो गए कि वे सही थे अपना दोपहर का भोजन खम करने के बाद अदिति सराय में नहीं रुकी यान देश संपूर्ण भूमि में सबसे शक्तिशाली शक्ति होने के कारण उनके पास जो संसाधन थे उनकी तुलना अन्य देशों से नहीं की जा सकती थी और यान देश के सबसे समृद्ध इंपीरियल कैपिटल सिटी ऐसे स्थान थे जिनकी तुलना कोई अन्य शहर भी नहीं कर सकता था फी यान के सूत्रों के मुताबिक अदिति को पता चला कि यान देश की इंपीरियल कैपिटल सिटी का सबसे बड़ा फ्लेम स्पिरिट फ्लेम स्पिरिट इसे यान देश के सबसे धनी व्यापारी द्वारा खोला गया था और वे यान देश के सभी शहरों में पाए जा सकते हैं प्रमुख और सबसे बड़ी शाखा यही राजधानी शहर में स्थित है उनके पास यहाँ सभी प्रकार के दुर्लभ खज़ाने और असाधारण चीजें थी जिनकी गिनती कोई भी नहीं कर सकता था और यह वह जगह थी जिसकी तुलना करने के लिए छोटा चैन लिन नीलामी घर सपने में भी नहीं सोच सकता था हालांकि इस पूरे समय में वे बहुत सारी उथल पुथल भरी घटनाओं में फंस गए थे फिर भी अदिति उस अमृत को नहीं भूली थी जिसकी यान बूबुई को जरूरत थी इसकी खेती में सफल होने के लिए उन्हें सबसे पहले उन जड़ी बूटियों को इकट्ठा करना पड़ा जिनकी उन्हें ज़रूरत थी इसलिए उस समय उसकी नज़रे फ्लेम स्पिरिट नीलामी घर पर टिकी थी वह जाकर देखना चाहती थी कि क्या उनके पास कोई उपयुक्त जड़ी बूटियां हैं जिनकी उसे आवश्यकता है चूँकि राजधानी शहर में ग्राहकों का प्रचुर प्रवाह था इसलिए पूरा शहर कई छोटे बड़े नीलामी घरों से भरा हुआ था उनमें से सबसे सफल और समृद्ध फ्लेम स्पिरिट नीलामी घर भी हर दिन व्यापार के लिए खुलता है जिससे हर किसी को जब भी वे चाहे खजाने चुनने की अनुमति मिलती है दोपहर का समय था और यान देश की शाही राजधानी लोगों की हलचल से भरी हुई थी जिधर भी देखो जगजगा लोगों की भीड़ लगी हुई थी जैसे जैसे स्पिरिट बैटल टूर्नामेंट था यान देश की शाही राजधानी कई अकादमियों के विभिन्न समूहों के लोगों से भर गई थी और ऐसे लोग भी थे जो अन्य शक्तिशाली शक्तियों और गुटों से आए थे जो भर्ती के लिए संभावित उम्मीदवारों को चुनना चाह रहे थे वे सभी राजधानी शहर में एकत्र हुए थे टूर्नामेंट शुरू होने का इंतजार करने के लिए यहां एकत्र हुए थे जिससे शहर खचाखच भर गया था अपने शहर में विभिन्न शक्तियों के इरादों के संबंध में यान देश हमेशा चुप रहा था ऐसा नहीं था कि उन्होंने दूसरों को स्वतंत्र रूप से आने की अनुमति दी और किसी भी संभावित प्रतिभाशाली शिष्यों को छीनने की कोशिश की जिन पर उनकी नजर थी बल्कि ऐसा इसलिए था क्योंकि यान देश को पूरा विश्वास था कि वे जिस किसी के भी पास जाएंगे वह कभी भी उनके निमंत्रण को अस्वीकार नहीं करेगा यह पूरे देश की सबसे शक्तिशाली शक्ति का आत्मविश्वास था अदिति ने उस नक्शे का अनुसरण किया जो फी यान ने उसे दिया था और मुख्य सड़कों और छोटी गलियों से होते हुए फ्लेम स्पिरिट नीलामी घर की ओर बढ़ी और ठीक उसके बगल में एक लंबा पतला शरीर उसके करीब आ रहा था क्या छोटी अदिति के पास कुछ है जो वह खरीदना चाहती है जून वो याओ ने अदिति की ओर देखते हुए मुस्कुराते हुए पूछा ऐसा लग रहा था कि हाल के दिनों में उनके पास करने के लिए कुछ नहीं है और उन्होंने खुद को अदिति से जोड़ लिया है केवल कुछ ही अवसर थे जब वह केवल कुछ घंटों के लिए गायब हो जाता था और फिर तुरंत प्रकट हो जाता था अदिति ने कभी भी उससे उसके गायब होने के बारे में नहीं पूछा था यहाँ तक कि जब भी उसे हर बार उसके शरीर पर खून की हल्की दुर्गंध महसूस होती थी तो वह थोड़ा सा भौहें चढ़ा लेती थी लेकिन चुप रहती थी मुझे कुछ जड़ी बूटियों की जरूरत है अदिति ने उत्तर दिया क्या आप फिर से अमृत की खेती करने जा रहे हैं जूनबु याओं ने पूछा अदिति की ओर देखते ही उसकी आंखें सिकुड़ गई इस पूरे समय में वह शुरू से लेकर अब तक हमेशा उससे निकलने वाली जड़ी बूटियों की हल्की सुगंधित गंध को सूंघने में सक्षम था जो कि सुगंधित पाउडर की अत्यधिक तीव्र गंध के बिल्कुल विपरीत थी जो आमतौर पर लड़कियों में पाई जाती थी और एक की बीमार करने वाली मीठी गंध से अलग थी फूलों की विविधता अदिति के पास एक ऐसी गंध थी जो हल्की कड़वी थी और शुरुआत में यह थोड़ी असुविधाजनक हो सकती है लेकिन इसकी आदत पड़ने के बाद यह आपके ऊपर बढ़ती है और बेहद आरामदायक महसूस होती है वह एक ऐसी खुशबू थी जो विशिष्ट रूप से अदिति की थी किसी अन्य कारण से नहीं बल्कि सिर्फ इसलिए कि यह उसका था इसलिए जून वो याओ को यह पसंद आया अदिति ने सिर हिलाया और फिर सिर हिलाया अमृत वह नहीं था जिसकी उसे आवश्यकता थी बल्कि वह था जो उसे करना था यान यानबुगुई को अपना गुरु स्वीकार करना उसका अपना निर्णय था हालांकि वह फीनिक्स अकादमी में लंबे समय तक नहीं रही थी और उसने यान बोगुई के साथ ज्यादा बातचीत नहीं की थी फिर भी अदिति ने उस गंदे कपड़े पहने आदमी को अपने दिल में अपने गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया था एक शिष्या के रूप में यह शर्त थी कि उसे अपने गुरु की चिंताओं का वहन करना चाहिए किसी और बात का उल्लेख किए बिना केवल स्वर्ग के फ्लास्क और कॉस्मॉस बोरी का उपहार उसके लिए अविश्वसनीय रूप से मददगार रहा था जब लोगों ने उस पर दया दिखाई तो वह हमेशा उन्हें मौखिक रूप से धन्यवाद नहीं दे सकती थी लेकिन उसकी कृतज्ञता हमेशा इसके प्रति किए गए उसके कार्यों के नीचे छिपी रहती थी अपने नन्हे प्रिय की परस्पर विरोधी प्रतिक्रिया को देखकर झूम याओ को यह बेहद प्यारा लगा याद करते हुए जब वह पहली बार अदिति से मिला था तो वह एक छोटी सी बिल्ली की तरह थी जो अपने आसपास के सभी लोगों से सावधान रहती थी उसकी बर्फीली चमक हमेशा उसे सावधानी से देखती थी और किसी भी क्षण जब वह उसके करीब थोड़ा सा भी कदम बढ़ाता प्रतिक्रिया में उसके पंजे तुरंत उसकी ओर उड़ जाते और अनजाने में वे अब किसी तरह सद्भाव में रहने में सक्षम थे हाल के दिनों में उनके नन्हे लाडले का रवैया उनके प्रति धीरे धीरे नरम हो गया था और जून वो याओ बहुत अच्छे मूड में थे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसे अपने मामले रोजाना बेहद कम समय में सुलझाने पड़ते थे वह ऐसा करने के लिए बहुत इच्छुक था अगर वह दिन आ जाए कि उसके नन्हे लाडले का रवैया उसके प्रति और भी बेहतर हो जाए तो उसे इससे तनिक भी आपत्ति नहीं होगी भले ही इससे उसके लिए चीजें और अधिक परेशानी वाली क्यों न हो जाए भीड़ ने अदिति के छोटे से शरीर को निगल जाने की धमकी दी दूसरों को छूने से विमुख अदिति ने अवचेतन रूप से अपने और जून वु के बीच की दूरी को कम कर दिया उनके शरीर के आकार में अंतर के कारण जब उसका छोटा फ्रेम करीब आया तो ऐसा लग रहा था जैसे अदिति जून वु की बाहों में फिसल रही हो जून वु के चेहरे पर मुस्कान चौड़ी हो गई और उसने स्वाभाविक रूप से एक हाथ उठाया और छोटी आकृति को गले से लगा लिया ध्यान से उसकी रक्षा की शुरू में वह भीड़ को अपने पास से दूर करने के लिए अपनी कुछ आध्यात्मिक शक्ति छोड़ना चाहता था लेकिन उसने तुरंत इस विचार को अपने दिमाग से निकाल दिया क्योंकि उसका दिल खुशी से खुश हो गया था जब वे अपना रास्ता पार कर रहे थे तो उसका हाथ अदिति के चारों ओर लिपट गया था भीड़ फ्लेम स्पिरिट नीलामी घर की दिशा में फ्लेम स्पिरिट नीलामी घर एक विशाल और विशाल स्थान पर स्थित था चूंकि अदिति पहले केवल चैनलिन नीलामी घर में गई थी और जब उसने दोनों नीलामी घरों की एक साथ तुलना की तो पैमाने में भारी असमानता तुरंत स्पष्ट हो गई भूमि के आकार के आधार पर निर्णय लेने पर यान देश के इंपीरियल कैपिटल सिटी स्पिरिट फ्लेम स्पिरिट स्थान पर बैठा था वह चैन लिन नीलामी घर से दस गुना अधिक था प्रवेश द्वार पर लोगों का एक अंतिम सिलसिला परिसर में जा रहा था और उनमें से कई अन्य अकादमियों की वर्दी पहने हुए युवा थे जो जगह की प्रसिद्ध प्रतिष्ठा के कारण यहाँ आने के लिए तैयार थे जो युवा स्पिरिट बैटल टूर्नामेंट आए थे उनके दिलों में ज्यादातर गर्व और महिमा के विचार थे और वे अपनी वर्दी पहनकर घूमते थे क्योंकि वे जानते थे कि विभिन्न शक्तियों के कई प्रतिभा स्काउट राजधानी शहर में हर जगह छिपे हुए थे और शिकार की प्रतीक्षा कर रहे थे नई प्रतिभाशाली प्रतिभाओं के लिए चूंकि वे जानते थे कि शीर्ष तीन विशिष्ट अकादमियों के शिष्यों के सामने उनके पास शीर्ष दस रैंक हासिल करने का कोई मौका नहीं था इन अन्य शिष्यों के पास हर संभव समय इस तरह से अपनी पहचान प्रदर्शित करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं था खुद को एक में रखते हुए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने का तरीका चुपचाप उम्मीद करते हुए की एक प्रतिभा स्काउट उनकी क्षमता का पता लगाएगा अदिति ने जेफिर अकादमी की वर्दी नहीं पहनी हुई थी और सिर्फ सामान्य कपड़े पहने हुए थी हालांकि उसके लुक को बेहद आकर्षक माना जा सकता था लेकिन वह अलग नहीं दिखी इसके अलावा वह आकार में छोटी थी और लोगों की भारी भीड़ में आसानी से नजरअंदाज हो जाती थी हालांकि इस बार अदिति को इतनी आसानी से नजरअंदाज नहीं किया जाएगा सराय छोड़ने के क्षण से लेकर फ्लेम स्पिरिट नीलामी घर तक पहुंचने तक अनगिनत जोड़ी आंखों ने उसे सिर से पाव तक परखा और जांचा था लेकिन वे उसकी वजह से नहीं खींची गई थी बल्कि यह सब के कारण था अदिति के बगल में खड़ा आदमी जून वु याओ जून वु याओ ने बहुत ही साधारण कपड़े पहने हुए थे पूरे काले सादे और सरल डिजाइन वाले उस पर एक भी सजावटी या सजावटी पहलू नहीं था लेकिन बस वह एक बेदाग सुंदर चेहरा सभी की निगाहों को अपनी ओर खींचने के लिए काफी था उनकी पूरी यात्रा के दौरान उनकी लंबी सुंदर छवि मंत्रमुग्ध कर देने वाली थी जिसने अनगिनत महिलाओं के दिलों को अपने कब्जे में ले लिया था उनमें से जो साहसी थे वे दो लोगों का पीछा भी कर चुके थे और फ्लेम स्पिरिट नीलामी घर में आ गए थे जब उन्होंने जून याओं को परिसर में जाते देखा तो वे सभी पीछे चलने के लिए दौड़ पड़े भले ही उन्हें किसी भी नीलामी में कोई दिलचस्पी नहीं थी इतनी चमकदार और प्रमुख इकाई के साथ अदिति के लिए किसी का ध्यान नहीं जाना बेहद मुश्किल था एक लड़की के रूप में उसने सुविधा के लिए एक लड़के के रूप में क्रॉस ड्रेसिंग की थी लेकिन चूंकि वह आकार में बहुत पतली थी और किसी ने पूरे रास्ते खुशी से उसे अपनी बाह में कसकर पकड़ रखा था कोई भी वास्तव में उसके लिंग के बारे में निश्चित नहीं हो सकता था यदि उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह वास्तव में पुरुष है उसके पहने हुए कपड़ों को ध्यान से नहीं देखा होता तो उनके पीछे चल रही महिलाओं की भीड़ ने उसे बहुत बुरी तरह से श्राप दिया होता अदिति केलिंग की पुष्टि करने के बाद उनमें से कुछ जो उसके लिंग अभिविन्यास से थोड़ा चिंतित थे उन्होंने तुरंत उदारता दिखाते हुए इसे उचित ठहराया उन्होंने न केवल खुद को आश्वस्त किया कि जून वो याओ द्वारा एक युवा पुरुष को इतनी कसकर पकड़ने में कुछ भी अनुचित नहीं था बल्कि खुद को बताया कि वह असाधारण रूप से सौम्य और विचारशील था लोगों के भीड़ भरे समुद्र में अपने कमजोर और कमजोर छोटे साथी की रक्षा कर रहा था बेहद सुंदर सौम्य और विचारशील अपने होठों पर उस नशीली मुस्कान के साथ जून वो याओ ने तुरंत महिलाओं के समूह को उत्साह से झूमने पर मजबूर कर दिया वे अपनी नज़रें उस पर से हटाने में असमर्थ थी अदिति को जून वो याओ के साथ नीलामी घर में जाने के बाद ही एहसास हुआ कि वह जगह वास्तव में कितनी विशाल थी जमीनी स्तर पर कई सौ सीटें भरी हुई लग रही थी और जबकि दूसरे स्तर पर निजी कमरे चैनलिन नीलामी घर के समान दिखते थे उनकी संख्या और विशाल आकार ने उसे आश्चर्यचकित कर दिया भूतल से ऊपर देखने पर यह स्पष्ट था कि दूसरे स्तर के सभी निजी कमरे भी पूरी तरह से कब्जे में ले लिए गए थे अदिति और जून वो याओ हॉल के सबसे दूर कोने में अपने लिए सीटें ढूंढने में कामयाब रहे जैसे ही जून वु याओं अपनी सीट पर बैठा एक ही समय में महिलाओं की कई निगाहें उस पर टिक गई जब वे गुप्त रूप से अद्वितीय और शानदार रूप से सुंदर आदमी की ओर देख रहे थे तो उनकी निगाहें दिखावटी रूप से शर्मिली थी और यदि यह सामाजिक आदर्श नहीं था कि उचित महिलाओं को आवश्यक आत्मसंयम का अभ्यास करना चाहिए तो वे सभी उसके पास झुंड में आ गए होते और बातचीत करने की कोशिश की उसे हालांकि महिलाओं की भीड़ का केंद्र बिंदु बनने के बावजूद जून वु याओं पूरी तरह से बेकबर लग रही थी नीलामी के लिए अदिति के साथ जाते समय उनकी गहरी आंखों ने जो एकमात्र प्रतिक्रिया दिखाई वह आंखों का हल्का सा सिकुड़ना था यदि अदिति को कोई और खजाना चाहिए होता तो वह किसी को उसके लिए इसे लाने का आदेश दे सकता था लेकिन जब जड़ी बूटियों की बात आती है तो उसे वास्तव में उनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती या वह उसे इसकी आवश्यकता भी नहीं होने देता ऐसी शोर शराबे वाली जगह को संरक्षण देना उस छोटे से चेहरे पर गहरे भाव देखकर जून याओं को पता चल गया कि उसे भीड़भाड़ वाला और निचोड़ा हुआ वातावरण पसंद नहीं है और वह अवचेतन रूप से अपने लंबे फ़्रेम का उपयोग करके जितना संभव हो सके उनके आसपास के शोर शराबे को उससे दूर कर देता है उस समय मंच पर नीलामीकर्ता ज़ेड़ के एक कीमती और सुंदर टुकड़े की नीलामी कर रहा था वह हमेशा महिलाओं द्वारा पसंद की जाने वाली वस्तु थी लेकिन हॉल में सभी महिलाओं की निगाहें किसी अन्य निश्चित स्थान पर केंद्रित थी जिसके कारण अचानक वह वस्तु जिस पर बोली लगाने के लिए लोगों में होड़ मचनी चाहिए थी उस पर अपेक्षित ध्यान नहीं गया जब अदिति ने देखा कि मंच पर जो वस्तु थी वह वह नहीं थी जो वह चाहती थी तो उसने तुरंत अपनी आंखें नीची कर ली और अपने मन में अमृत के लिए आवश्यक बूटियों की सूची देखने लगी दूसरे स्तर पर एक निजी कमरे में खिड़की के पास बैठी एक युवा लड़की शुरू में मंच पर जेड़ के खूबसूरत टुकड़े के लिए बोली लगा रही थी तभी उसने अचानक उस आश्चर्यजनक आकृति को अपनी आंखों के कोने से बाहर निकलते हुए देखा पहले स्तर पर नीचे देखने के लिए अपना सिर घुमाने से पहले वह एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गई